नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल लेके ऑनलाइन पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के लिए ब्रेकिंग न्यूज लेकर आए हुए हैं कि आपके पूर्वी चंपारण मोतिहार की तरफ से फिर से एक न्यू नोटिस जारी किया गया। जी हाँ दोस्तों, एक न्यू नोटिस आउट किया गया जो कि आज ही का नोटिस है। चलिए आपको हम बताते हैं उस नोटिस में क्या बातें बताई गई है और नोटिस किस लिए आई हुई है। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर दिया गया पोस्टिंग ऑफ हिचकुडी रेजिस्टेंस इन पंचायतीज। तो हम आपको बता दें दोस्तों, मोतिहार की तरफ से आपको आज दो लिस्ट प्रोवाइड की गई और ज्वाइनिंग ऑर्डर आया, जो कि सेकेंड ज्वाइनिंग ऑर्डर आया, उसके बाद थर्ड ज्वाइनिंग ऑर्डर आया, जिसके लिए हमने आपको वीडियो बनाकर आपको सूचित भी किया था। तो यहाँ पर एक न्यू नोटिस आया हुआ है थर्ड ज्वाइनिंग ऑर्डर के बाद। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर दिया गया पोस्टिंग ऑफ हिचकुडी रेजिस्टेंस इन पंचायत से, और यहाँ पर आप लोग डेट जरूर देखिएगा, 3/6/2019। आप लोग ये डेट देख पा रहे हैं, 3/6/2019, यानी कि आज ही का ये नोटिस आया हुआ है फिर से। और यहाँ पर एक पीडीएफ दिया गया जो कि 9 MB का ये टोटल पीडीएफ है। चलिए पीडीएफ को डाउनलोड करते हैं। यहाँ पर जैसे ही हम क्लिक कर देंगे तो ये पीडीएफ डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। हमने इसको डायरेक्ट ओपन कर लेते हैं, पीडीएफ को पहले से ही डाउनलोड कर रखा है। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, पीडीएफ डायरेक्ट ओपन हो गया। यहाँ पर टोटल 20 पेज का ये पीडीएफ है। तो हम आपको बता दें दोस्तों, आपको सबसे ऊपर ले चलते हैं, तो वहाँ पर बताते हैं कि क्या बातें बताई गई है। तो हम आपको बता दें, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि दिया गया है प्रधान सचिव पंचायती राज बिहार पटना के संकल्प ज्ञापन संख्या इतने दिनांक इतना और संकल्प संख्या इतना और दिनांक 27/7/2018 के निर्देश आलोक में यहाँ पर पंचायती राज संस्थाओं में आपको देख पा रहे हैं नोटिस तैयार किया गया है। तो हमने ये नोटिस पहले से ही पढ़ रखी है, आपको संक्षिप्त रूप में बताते हैं कि यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। दिया है कि दिनांक 1/6/2019 द्वारा जिला के कार्यपालक सहायक के पैनल से कुल 371 अभ्यर्थियों की सूची उपलब्ध कराई गई है। उक्त प्राप्त कार्यपालक सहायकों के उनके नाम के सामने अंकित ग्राम पंचायतों में पदस्थापित किया जाता है। तो हम आपको बता दें दोस्तों, ये 371 कैंडिडेट की जो ये पीडीएफ प्रोवाइड किया गया, जो लिस्ट आउट हुआ है ज्वाइनिंग लिस्ट, तो जो पहले वाली ज्वाइनिंग लिस्ट आउट हुई थी, सबसे पहले जो 371 कैंडिडेट की ज्वाइनिंग लिस्ट आई थी, उसी ज्वाइनिंग लिस्ट को यहाँ पर फिर से प्रोवाइड किया गया है। क्यों प्रोवाइड किया गया है, चलिए हम आपको आगे बताते हैं। और यहाँ पर दिया गया है कि प्रखंड पंचायतों द्वारा उपलब्ध कराई गई अनुपस्थित विवरण के आधार पर कार्यपालक सहायकों के मानदेय का भुगतान किया जाएगा। तो ये देख पा रहे हैं, उन्हीं कैंडिडेट का जो सबसे पहले नोटिस निकल कर आई हुई थी, ज्वाइनिंग लिस्ट आई हुई थी 371 कैंडिडेट का, तो उन्हीं कैंडिडेट का यहाँ पर फिर से ज्वाइनिंग लेकर के आया हुआ है। और यहाँ पर ब्लॉक दिया गया, नेम ऑफ ब्लॉक, लास्ट में सबसे पहले आपका ब्लॉक का नाम दिया गया है। तो दोस्तों, ऐसा क्यों हुआ, ये टोटल 20 पेज का पीडीएफ है। तो हम आपको नीचे ले के चलते हैं और सेम कैंडिडेट का यहाँ पर नाम है। अगर आप लोगों ने लास्ट में ध्यान दिया होगा तो जो ये नाम मिसप्रिंट थे, तो आप लोग देख पा रहे हैं ये इस वाले पीडीएफ में नाम अच्छे से प्रिंट है, आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं। यहां पर जो इसका लास्ट नाम मिथिलेश गिरी नाम का है दोस्तों, ये हमने वहां पर मिलाया था और यहां पर सारी जानकारी दी गई है। तो हमने पीडीएफ को उस पीडीएफ से मिलाया तो सेम आप लोगों का नाम है, 371 कैंडिडेट वही है जो पहले आए हुए थे, तो आप लोग देख पा रहे हैं। और आप लोगों का नाम यहां पर अच्छे से प्रिंट किया गया है, उस वाली लिस्ट में नाम अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा था, शायद इस वजह से यह नोटिस फिर से निकाली गई हो। और आप लोग देख पा रहे हैं यहां पर आप लोगों को जो भी कंपोनेंट से लेकर जाना है ज्वाइनिंग में, उन कंपोनेंट्स को दिया गया है, हार्डवेयर को दिया गया है। और यहां पर आपके सैलरी के बारे में बताया गया है, 11,345 रुपये आपकी सैलरी है। और साथ में दोस्तों, नीचे आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स दिए हैं जो आपको लेके जाना है। और साथ में हम आपको बता दें दोस्तों, आज से 15 दिनों के अंदर आप लोगों को ज्वाइनिंग कर लेनी है, वरना आपका नियोजन रद्द कर दिया जाएगा। तो ये दोस्तों, हम आपको फिर से एक बार दोहराना चाहते हैं कि वो पुराना वाला पीडीएफ 371 कैंडिडेट का जो सबसे पहले मोतिहारी में ज्वाइनिंग लिस्ट आया था, वही पीडीएफ फिर से निकाला गया है। बस इसको इस पीडीएफ का जो मिसप्रिंट था उसको ठीक कर दिया गया और अच्छे से अब दिखाई दे रहा है, और साथ में आपके ब्लॉग का नाम भी दे दिया गया है। तो आई होप दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और सब लोग आ जाइए चैनल को सब्सक्राइब करके। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।